बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मुझे कोई निकालो। हल कबड्डी ताल ताल चिटी आई लाल लाल, हल कबड्डी ताल ताल चिटी आई लाल लाल। बाजी मैं तुझे वचन देता हूँ बाजी, मैं आज के बाद तुझे कभी परेशान नहीं करूंगा, मुझे इन लाल चींटियों से बचा ले बाजी। तू चिंता मत करने वालू, तेरा समय इन लाल चींटियों के साथ आराम से कट जाएगा। घाबरू लोगों से बैठे आ। नहीं बाजी, बाजी मुझे नहीं, बाजी मुझे यहाँ से बाहर निकाल दे बाजी। गोटिया, अब बालू इतना रो रहा है तो इसे बचाना तो पड़ेगा ही। इसके कपड़े भी इसे बचा नहीं पाएंगे, ये लाल चींटियां इसके कपड़े के अंदर घुसेंगी, घुसने के बाद इसे काटेगी और फिर बालू। अब बालू मैं एक काम करता हूँ, मैं तेरे और चींटियों के बीच में एक पानी की दीवार बना देता हूँ। दुख की बात है तूने मटके फोड़ दिए ना, इसीलिए इस टुकड़े में मात्र इतना ही पानी आ पाया। बाजी निकाल देना बेचारा। बाजी निकाल देना बाजी। गुड़ खाएगा रे बालू? नहीं 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 नहीं। अरे गिर रे बालू, मस्त है। बाजी धन्यवाद बाजी। बाजी बाजी मुझे माफ कर दे बाजी। बालू जब थोड़ी देर के लिए मटका तेरे सर पर था तुझे कुछ दिखाई देना बंद हो गया था, तेरी हालत कितनी खराब हो गई थी। जरा सोच जो कभी नहीं देख सकता उनकी क्या स्थिति होगी, और तू उनके गड़े फोड़ रहा था। जब थोड़ी देर के लिए तेरी कोई आवाज सुन नहीं पा रहा था तो तू कितना घबरा गया था, और तू उन्हें सताने आया था जो ना कभी बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। तू दूसरों की पीड़ा सहना तो दूर, समझना तक नहीं चाहता, इसीलिए तेरा दंड यही है कि ये चींटियां तुझे काटे और तुझे पता चले कि पीड़ा किसे कहते हैं। आ रही है चींटियां, आ रही है। बाजी बचा ले, मैं कभी किसी विकलांग व्यक्ति को परेशान नहीं करूंगा बाजी, आई शपथ, परेशान नहीं करूंगा। धन्यवाद बाजी, बाजी अब मुझे इस गड्ढे से भी बाहर निकाल ले। इतनी जल्दी नहीं, अभी जो तूने कहा वो डर के कारण कहा। थोड़ी देर और रुक, जब तुझे डर के साथ साथ मन में पश्चाताप भी आ जाएगा तो मैं तुझे गड्ढे से भी बाहर निकाल। नहीं नहीं बाजी, आ गया आ गया, पश्चाताप आ गया बाजी, आ गया। बड़ा जल्दी आ गया, हट। गोटिया तू इधर थाम, जब तक 100 गड्ढे नहीं बन जाते तब तक इस बालू को इसी गड्ढे में रहने देना। अगर ये बालू शोर मचाए तो गुड़ की ढेलियों को इसके कपड़े के अंदर डाल देना, फिर उन चींटियों को इसका खून ही मीठा लगेगा। बाजी नहीं, बाजी दारा, बाजी। ए, गप। चालू बालू चुप रहने में तेरे भलाई है, नहीं तो ते बग। मुगल सल्तनत उस सांप की तरह है जिसका फन आगरा में है और दुम दक्खन तक आ पहुंची है, और हमने उस दुम पर पांव रखा है, इसलिए फन हमें डसने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। भैरवगढ़ की हार के बाद औरंगजेब तिलमिलाया तो होगा, अवश्य कुछ ना कुछ करेगा। नाना जी सारे गुप्तचरों को सतर्क कर दीजिए, अगर मुगल छावनी में एक पत्ता भी खड़के तो उसकी आवाज हम तक पहुंचनी चाहिए। और रानी साहब, पंत प्रतिनिधि जी, जी सीमाओं पर और किले के अंदर पहरा और कड़ा होना चाहिए। जी रानी साहब। और बालाजी शिव जयंती की सारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि किसी को कोई शिकायत का मौका ना मिले। हो रानी साहब। अब आप जा सकते हैं।
बालाजी हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, आइए। सेवक से हमें पता चला कि आपके काढ़े के डर से राजे बहुत कुछ सीख गए हैं। रानी साहब, बचपन में हमें करेला बहुत कड़वा लगता था, तो हमारी आई ने कहा या तो करेला खाओ वरना नीम खाना पड़ेगा। नीम का पत्ता मुंह में जाते ही हमें करेला कम कड़वा लगने लगा। मटके तैयार हो गए, इसलिए मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ। ये घड़ा तुम्हें भेंट करता हूँ वाल को। डोडिया भाऊ। हाँ कोटिया, लगोटिया के चित्र। कोटिया, हमने हमारा काम संपूर्ण कर लिया। ओरे बाजी, का बच्चा भोला भाला, आज मेरे क्या पाल चला, मित्र की मदद करने को मैंने कर दिया घोटाला। का बच्चा भोला भाला, आज मेरे क्या पाल चला, मैं बच्चा भोला। पाल चला क्यों नहीं गया? काय? वो सारा मेरा गृह कार्य लंगोटिया खा गया। मैं साला जाता, गुरुजी मुझे वैसे भी बाहर निकाल देते, इसलिए मैं साला नहीं गया। अच्छा। नमस्ते। नमस्ते। इधर आ। इधर आ। बहुत कष्ट हुआ होगा ना? ओह। काकू, बहुत कष्ट हुआ? नहीं काकू, नहीं। अभी क्षमा कर रही हूँ, दोबारा ऐसा मत करना। लक्षा ठेव, दिन के सारे कामों में सबसे महत्वपूर्ण काम है पाठशाला, कर लो। ओ काकू। आई, मटके तैयार है पूरे 100। अब बताना अगला गुण कौन सा है? वो तो तूने इस कार्य से सीख लिया। गुण सीख लिया और भाव को पता भी नहीं चला? कौन सा गुण आई? पहले तो आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों की लड़ाई के कारण आज बाजी ने अगला गुण सीख लिया। क्या कह रही है भाव? आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों की लड़ाई की वजह से बाजी ने अगला गुण पा लिया। कौन सा गुण? पहले ये बता, इन तीनों के साथ काम करने का तेरा अनुभव कैसा था? ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती थी आई। काम इन तीनों को करना था, लेकिन इनका ध्यान मात्र झगड़े पर था, काम पर बिल्कुल नहीं। ये लोग झगड़े में इतने उलझे हुए थे कि कुछ समझने को तैयार ही नहीं थे। लेकिन मैंने भी अपना हट नहीं छोड़ा। हट नहीं, सकारात्मकता। सकारात्मकता म्हणजे? सकारात्मकता म्हणजे हमेशा अच्छी बातें सोचो, जो अच्छा हो रहा है उस पर ध्यान रखना, मन में ये विश्वास रखना कि परिणाम अच्छा ही होगा चाहे जो कुछ भी हो जाए। लक्षा ठेव बाजी, सकारात्मक व्यक्ति कभी निराश नहीं होता, मन में कभी भी नकारात्मक विचार नहीं लाता। काकू, मन में निराशा आ भी गई होगी तो क्या है, एक विचार ही तो होगा ना, क्या कर लेगा? बहुत कुछ। गोटिया एक चिंगारी 100 वृक्षों को जला देता है, वैसे ही एक नकारात्मक विचार मनुष्य के हजारों सपनों को जला सकता है। इसलिए सदा सकारात्मक होना चाहिए। हाँ, स्वराज का युद्ध बहुत लंबा चलेगा बाजी। कई बार ऐसी स्थितियां आएंगी जब
जो तू सुनाएगा वो सुनने को, जो तू दिखाएगा वो देखने को, और जो तू चाहेगा वो बोलने को लोग तैयार नहीं होंगे। तब तुझे सकारात्मकता नहीं छोड़नी है, और तभी तू उन लोगों को स्वराज की दिशा में मोड़ पाएगा। हर समस्या के पीछे उसका समाधान छुपा होता है बाजी। हर निराशावादी व्यक्ति मात्र समस्या को देखता रहता है, और हर आशावादी सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति उस समस्या को नहीं, उसके समाधान को देखता है। हो, तू कल कौन सा गुण सिखाएगी आई? वो तो तुझे कल पता चलेगा। अभी तो फिलहाल तुम लोग जाओ और अपना गृह कार्य पूरा करो। काय गोटिया? एक लंगोटिया। हो, ये तो लंगोटिया। लौकर बेटू। सलाम, सलाम। सलाम। भाऊ। आपके पुत्र से हम तीनों ने भी बहुत कुछ सीखा भाई साहब। अब हम भी सकारात्मक सोच रखेंगे हमेशा। आज तो आपने मटके बनवाकर हमें सकारात्मक रहना सिखा दिया, लेकिन अगला गुण कैसे सिखाएंगी? ये गुण सिखाने के लिए जैसे बापा ने आप तीनों से मिलवाया, वैसे ही और कोई रास्ता दिखाई देंगे। ए, क्या बोल रही है? प्रणाम।